नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्वेंट शिक्षा पर। और हम साइंस की जो न्यूमेरिकल की श्रृंखला चल रही थी, तीन का डोज, वो लगातार चल रहा है। आप सभी लोग आके तीन बूंद का जो डोज चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उनको भी एक्सेप्ट कराएं, ठीक है। तो ये सवाल मैं जो आपको बताता हूँ वो सभी किसी न किसी साल में पूछे गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, कुछ प्रश्न बच्चों ने पूछे थे, तो ये आपके दूसरे नए प्रश्न हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। 2018 और 19 में पूछा गया है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकल्पित कीजिए, ठीक है। अब इसमें जो हमारा सवाल दिया गया है, हमारा दिया क्या गया है, सिरों के बीच 12 वोल्ट की, यानी V बराबर कितना दिया है, V बराबर दिया है 12 वोल्ट। कितना है दोस्तों, 12 वोल्ट दिया, समझ गए। परिपथ में 2.5 एम्पीयर की विद्युत धारा, यानी I बराबर कितना है, I बराबर है 2.5 मिली एम्पियर। अब इसको एम्पियर बदलेंगे तो हो जाएगा कितना, 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। अब हमें V पता है, I पता है, ठीक है। और एक नियम आप लोग को याद होगा, ओम का नियम, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओम का नियम क्या था, रेजिस्टेंस बराबर वेलोसिटी अपॉन धारा, ठीक है, यानी R बराबर V अपॉन I से, ठीक है। तो R हमारा निकालना है, ठीक है, V हमारा कितना दिया है 12 और I कितना दिया है 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3, और जो ये माइनस 3 है ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो कहाँ होगा, प्लस में हो जाएगा, बटे 2.5, ठीक है। अब इसको हम चाहे पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा दें तब डिवाइड कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ठीक है। ये हमारा अज्ञात प्रतिरोधक का, अतः अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना हुआ, 4.8 गुणे 10 की पावर 3 ओम है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। समझ गए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भैया ये, लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। 117 ओम प्रतिरोध में कितने प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी हमें प्रतिरोधों की संख्या याद करनी है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना जब इस तरीके के सवाल आए तो कैसे करेंगे, प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, हम मान लेते हैं एन, संख्या यानी नंबर्स एन मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 117 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोध, तो ये पार्श्व क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो 1/r बराबर 117 के, ठीक है। तो 117 यहां मिसप्रिंट हो गया है, यहां पे हो जाएगा 176, माफ कीजिएगा 176, ठीक है। तो 176, तो 1/176 प्लस 1/176 कितने प्रतिरोध, यानी हमने इसको लास्ट कितना मान लिया, डॉट 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 करके अनंत, इन्फिनिट मान लिया, ठीक है, अनंत है। तो R बराबर हमारा क्या निकल आएगा, 176 का एलसीएम 176 होगा, तो हो जाएगा 176 बटे N हो जाएगा, R हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा होगा, पढ़ा है ओम का नियम, तो ओम के नियम से, ठीक है दोस्तों, तो ओम का नियम क्या है, R बराबर V अपॉन I, क्लियर है। तो V हमारा कितना दिया है, 220 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, 220 बटे
धारा आई कितनी दी गई, 5 एम्पियर, यानी 5A, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी ये हो जाएगा 44 ओम, ठीक है। तो अब R हमें क्लियर पता चल गया, तो R के जगह पे हम क्या रख देंगे, 44 ओम, ठीक है। और टोटल हमारा क्या निकला है रेजिस्टेंस, यानी 176 बटे N बटे 1 मान के इसको कर देंगे कैंची गुड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो N बराबर कितना आ जाएगा, 176 बटे 44, 44 एकम 44, 44 चौको 176। तो हमारा प्रतिरोधों की संख्या कितनी आ जाएगी, प्रतिरोधकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, समझ गए, ठीक है। अगला सवाल भैया आप लोग का, अगला सवाल आपका दिया है भैया कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री माने प्रेस स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर निकालनी। भैया सूत्र लिखकर बहुत ही आसान है, पहले इसके मान लिख देते। R बराबर कितना दिया है, 20 ओम दिया है, ठीक है। और I बराबर कितनी दी, कितनी धारा है, 5 एम्पियर धारा है, ठीक है। और समय T बराबर कितना दिया है, 30 सेकंड दिया है, बहुत ही आसान है। और ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, ऊष्मा का सूत्र बराबर H बराबर क्या होता है, H बराबर हीट, हीट माने ऊष्मा, H बराबर क्या होता है, धारा का स्क्वायर प्रतिरोध इंटू समय, ठीक है। तो I कितना दिया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे, R कितना है 20 और T कितना है 30, तो 5 × 25 गुणे 3 × 6 = 60, यानी 600, 25 × 150 और 2 0 ये, यानी टोटल कितना हो गया, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 15,000 जूल। तो उसमें अब इसको जूल को जो हम कैलोरी जूल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 बराबर होता है तो कितना हो जाएगा, 15 केल्विन जूल। तो हमें उत्पन्न ऊष्मा बराबर कितनी चल गई, 15 केल्विन जूल या कैलोरी जूल, ये हमारा हो गया आंसर, समझ गए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।